मैं आपको परिवार से दूर नहीं कर रही हूँ, आपका अहंकार आपको परिवार से दूर कर रहा है। रिश्ते का दरवाजा थोड़ा छोटा होता है, अंदर आना है तो झुकना पड़ता है। वनराज शाह ना तो आज तक कभी झुका है और ना ही कभी झुकेगा। इसे तुम मेरी ईगो समझो, अहंकार समझो या अहम समझो, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। कीमती है तो बेच के दिखाइए ना। आपके घमंड का कोई एक रुपया भी नहीं देगा, तब आपकी समझ में आएगा कि आप कितनी बेकार की चीज लेकर घूम रहे हैं। अब नीचे चलिए और सबको सॉरी बोलिए, वरना आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको दूरियां बढ़ाना तो आता है, पर दूरियां खत्म करना आपने नहीं सीखा। ज्ञान दे रही हो तुम, मुझे ज्ञान दे रही हो। मेरे सामने तुम्हारा मुंह तक नहीं खुलता था, गुस्से से मैं देखता था तो डर से कांप जाती थी तुम, और तुम मुझे ज्ञान दे रही हो। मेरे मन में आपका डर नहीं था। अच्छा, तो फिर किसका डर था? जब कोई बाजार से कांच का खिलौना खरीद के लाता है ना, उसके टूटने के डर से एक एक कदम संभाल के रखता है। मैं भी हर कदम संभाल के रखती थी क्योंकि मुझे वही डर था। खिलौना टूट गया, डर खत्म हो गया। अभी इन सब बातों का समय नहीं है, चलिए नीचे चलिए और सबको सॉरी बोलिए। वाह अनुपमा वाह, 25 सालों में मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया कि तुम कितनी शातिर खिलाड़ी हो। 25 सालों से तुम सीधी साधी भोली भाली महान बहू बनकर मेरी पूरी फैमिली को धीरे धीरे मेरे खिलाफ भड़काती रही, और आज मेरे ही माँ बाप और मेरे बच्चे मेरे नहीं रहे, तुम्हारे हो गए। आप नीचे चलिए। तुम्हारी वजह से समर ने मुझसे बदतमीजी की, नंदिनी ने मुझे एटीट्यूड दिया, संजय भाई ने और किंजन ने मुझे ताने मारे, और वो मिसेस दवे मुझे धमकी देकर गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपनी गलतियों का दोष देने के लिए ही सही, मैं आपके किसी काम तो आई? आपके लिए तो हर चीज मेरी गलती थी। बच्चों के नंबर कमाए तो मेरी गलती, बाप बापू जी की तबीयत खराब हो गई तो मेरी गलती, आपको ऑफिस जाने में देरी हुई तो मेरी गलती। 25 साल से आपने मेरे लिए समय नहीं निकाला, बस मेरी गलतियां निकाली, और हो सकता है कि सब मेरी गलती हो। और जिस गलती के लिए राखी बेन ने आपको ताना दिया है ना, वो मेरी नहीं आपकी गलती है। मैंने तो हर गलती अनजाने में की, आपने एक की पर जानबूझकर। मुझे अपनी हर गलती पे शर्म आई, पर आपको अपनी गलती पर जरा शर्म नहीं है। अगर होती तो हर रोज वही गलती नहीं दोहराते। Shut up you, मिस्टर वनराज साहब। मुझे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, पर इतना जरूर समझती हूं कि आप अपनी हद पार कर रहे हैं। यहां तक तो अनुपमा वनराज साह का भी सबर खत्म हो जाता, इस अनुपमा की तो बात ही अलग है। बहुत पर निकल आए तुम्हारे। उड़ना है तो पर तो निकालने ही पड़ेंगे। अनुपमा, बस जितना सहना था सह चुकी,
आज के बाद अगर आपने मुझ पर, मेरे बच्चों पर या मेरे परिवार पर हाथ तो क्या आवाज भी उठाई ने, आवाज भी उठाई तो अच्छा नहीं होगा। प्रसाद देने आई थी, पर जो हाथ औरत पे उठ जाए वो भगवान का प्रसाद लेने लायक ही नहीं होता। परिवार है, खुशियां है, पर मेरा बेटा नहीं है। इसके बिना तो सब अधूरा है। झगड़े के बाद मुझे लगा कि तुम अब तक अपसेट हो गए, लेकिन तुम तो काव्या, मैं माफ हो जी, ये आपके लिए। थैंक यू। मेरे फेवरेट फ्लावर्स। दिवाली के बाद नए साल के विशेस देने के लिए थैंक यू सो मच वी। ना फोन, ना मैसेज, ना सॉरी। तुम्हें सिर्फ नाराज करना आता है भी, मनाना नहीं। दो दिन में मेरा बर्थडे है। मैंने सोचा था कि हम कहीं बाहर जाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन तुमसे बेटर तो वो अनिरुद्ध ही है, जो अब भी मुझे विश करना नहीं भूलता। पता नहीं कि तुम बदल गए हो या यही तुम्हारा असली चेहरा है भी। मेरे 25 साल के आगे तुम्हारे 8 साल बहुत कम है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है
ये 8 साल के रिश्ते को ईमानदारी से निभा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बा, बापूजी, साल मुबारक। बा, साल मुबारक तने पर। बापूजी आपको नए साल की शुभकामनाएं। भगवान करे ये नया साल तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां भर दे। खुशियां भी लाए और साथ में थोड़ी समझड़ भी लाए। ये पत्नी की असली खुशी पति की खुशी में होती है। वनराज उठा? हाँ, पूछा कल रात कहाँ था वो? ये घर, ये परिवार, ये रस्में, ये खुशियां सब बाप, बापूजी और बच्चों की है। आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ संभालने की। इससे क्या पूछ रही है? वनराज से ही पूछो। हैप्पी न्यू ईयर बाप। हैप्पी न्यू ईयर बापूजी। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। कल रात हैप्पी दिवाली भी थी जो तूने हैप्पी नहीं रहने थी। अरे त्योहार परिवार वालों के साथ मनाया जाता है, बाहर वालों के साथ नहीं। बेटा दोस्तों को मिलने जाना था तो पूजा के बाद चला जाता। तूने तो मन और त्योहार दोनों खराब कर दिए। सॉरी बा, सॉरी बापूजी। चल अब ठीक है, आज साल का पहला दिन है, तुझे डांटना नहीं चाहती। और तूने नए साल की बधाई दी से? हाँ, अरे पगे लाग, आशीर्वाद ले। मैंने तो ये सब ना सुबह ही कर लिया है। चल जामनगर फोन करे कि नहीं? अरे भैलू सूतो छे, तो फिर वो उठेगा, फिर वीडियो कॉल कर लेंगे। जिन हाथों से मेरा हाथ रोका था ना, आज उन्हीं हाथों से मेरे पांव पड़ोगे। हैप्पी न्यू ईयर पापा। गॉड ब्लेस बेटा। कल कहाँ थे आप? हम सब ने आपका इतना इंतजार किया, पूरी दिवाली आपके बिना अधूरी थी। बाकी तो आपका वेट करते करते डॉली फूई के साथ चली गई। सो सॉरी बेटा, कल कहीं मैं अटक गया था। हैप्पी न्यू ईयर मम्मी। जी तेरे बेटा। मेरे पति पे गुस्सा कर पर अपने पिता पे नहीं। और आज का दिन तो जरा भी नहीं। हैप्पी न्यू ईयर। कूल डूड, स्वीटी ने पिक्चर्स भेजी है। अरे मम्मी आई है ना। अरे ये फोटो में वनराज होता तो कितना अच्छा लगता है। अब ये वाले को होना चाहिए था। ये अच्छा है, ये अच्छा है। फुलझड़ी वाला है। अच्छा आपको देखिए। अरे सीढ़ी को देखो, दो दो फुलझड़ी। और कुछ कहने के लिए बाकी रह गया था? सॉरी काव्या, मैं जानता हूँ मैंने कल अपना सारा गुस्सा तुम पे निकाल दिया। कोई नई बात कहो भी।
आई नो काव्या, मैं गलती करता हूँ, फिर सॉरी बोलता हूँ, फिर गलती कर देता हूँ। आई एम रियली सॉरी। आर यू ओके? नहीं, इट वॉज द वर्स्ट दिवाली ऑफ माई लाइफ। कल इतना कुछ हुआ और उसके बाद अनुपमा। अनुपमा क्या कहा उसने? लीव इट, मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें फोन किया था क्योंकि मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। मैंने कभी इतना लोनली फील नहीं किया काव्या, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी फैमिली मेरे साथ, मेरे घर, मेरी फैमिली हमेशा मेरे आसपास घूमते थे। खाना तक मेरी पसंद का बनता था, लेकिन अब सब बदल गया है। मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ काफी। वी, तुमने किसी रिजॉर्ट की बुकिंग की थी अपने बर्थडे के लिए? हाँ की तो थी, कैंसिल करनी है क्या? नहीं, हम वहां जाएंगे। वैसे भी मैं अपने घर में रहूं या ना रहूं, किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे साथ भी मैंने क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया। आई वॉन्ट टू बी विद यू काव्या। आई एम सो हैप्पी वी, तुम्हें मेरा बर्थडे याद रहा। ठीक है, और हाँ, पैकिंग करते टाइम स्ट्रेस को पैक मत कर लेना। ये वेकेशन हमारी जिंदगी की सबसे यादगार वेकेशन होगी। आई होप सो। बाबूजी, मैं 2 दिन के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट सेमिनार है, बॉस नहीं जा पाएंगे इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अकेला जा रहा है या काव्या भी है साथ में? अकेले जा रहा हूँ बाबूजी। मॉम, दिस इज नॉट डन। अब अपने सारे फ्रेंड्स, सारे इन्वेस्टर्स को दिवाली पर विश करने गए, लेकिन मेरी लॉस को विश करने गए ही नहीं। आपको सबसे पहले वहां पे जाना चाहिए था। तुम्हारे ससुर जी को विश कर दिया था मैंने किंजल, काव्या की बिल्डिंग में मिले थे। and what about अनुपमा मम्मी? I mean समर, तोशु, पाखी, बापूजी, आप सबको उनको विश करना चाहिए था ना। आज आप मेरे साथ वहां पे चलोगी और उन सबको न्यू ईयर विश करोगी। एंड प्लीज कोई तमाशा मत क्रिएट करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी वजह से मेरा और उनका न्यू ईयर स्पॉइल हो। बाय। स्पॉइल तो मैं करूंगी, सिर्फ न्यू ईयर ही नहीं, और भी बहुत कुछ। ये लीजिए बापूजी, पेन लीजिए। डॉक्टर भाई ने कहा है ना कि आपको मॉर्निंग वॉक करना है। समार, ये क्या है? बेटा अब सिर्फ रास्ता दिखाने से काम नहीं चलेगा, रास्ते पे साथ भी चलना पड़ेगा। बेटा तू फिट रहेगी तभी तो परिवार फिट रहेगा। मैं तो लीला को भी बोलता हूँ, पर वो बेचारी दीदी को तो झूले ने पकड़ के रखा है ना। और अगर मैं अकेला चला गया और कहीं गिर गया तो? ऐसा मत बोलिए बापूजी, आपको कुछ नहीं होगा। तू साथ रहेगी तो कुछ नहीं होगा। और वॉक आपको भी करनी चाहिए मम्मी। अब पूरे दिन घर में इधर उधर भाग दौड़ तो करती रहती है, तो फिर इसे वॉकिंग की क्या जरूरत है? जरूरत है, हर बहू को सुबह बाहर वॉक करने की जरूरत है, ताकि उसे सबसे जरूरी ऐसी 2 चीजें मिल सके। एक, बाहर की ताजी हवा सांस में भर सके, और दूसरी अंदर की सांस से दूर रह सके। बेटा परिवार होता है तो दुख बढ़ जाता है, पर दर्द अकेले ही सहन करना पड़ता है। इसलिए मजबूत बनो, औरों के लिए ना सही, खुद के लिए बनो। मैं भी शूज पहन लेता हूं।
माँ प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। बाईस से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के दो नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पार्ट साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए दो नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।